बी पार्ट, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही बेस्ड है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि 250 लॉग्स स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं 250 टोटल है, उनको इस तरह से जमाया गया है। एक छोटे से एग्जांपल से बताया गया है, 22 लॉग्स बॉटम में है और फिर आगे 21 और आगे बढ़ते जाते हैं एक एक कम करके। अब इसमें पूछा गया है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 250 लॉग्स प्लेस्ड, ऐसे टोटल 250 हैं तो इस तरह से 22 फिर 21 ऐसे रो में जमाएं तो कितनी रोज बनेंगी। और इसके आगे पूछा गया है कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन अ टॉप रो, जो फर्स्ट टॉप मोस्ट रो होगी उसमें टोटल कितने लॉग्स आएंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल में 3 दिख रहे हैं तो आगे हम एक्चुअल में जमाते जाएं ऐसे तो कितने लॉग्स आएंगे टॉप मोस्ट रो में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट एपी की जो हमारी सीरीज बनेगी वो होगी 22 21 20 एंड सो ऑन, क्योंकि ये रिड्यूस हो रही है 1-1 करके। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 22, कॉमन डिफरेंस में ध्यान रखिए हम 1 नहीं लिखेंगे, बच्चे गलती करते हैं, डिक्रीज हो रही है तो -1, और सम दिया है 250 टोटल लॉग्स और n क्वेश्चन मार्क मींस नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी ये निकालना है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सम का फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। सम 250 एन बाय टू, एन निकालना हमें 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म 22 प्लस एन माइनस वन डी माइनस वन, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट से बिल्कुल ही आसान है, 45 को स्प्लिट करें तो 25 एंड 20 में स्प्लिट हो गया। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। देखिए n माइनस 25, n माइनस 25 हम यहाँ भी लिखें, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करें तो फैक्टर्स आर n माइनस 20 एंड n माइनस 25। तो आइदर n विल बी 20 और n विल बी 25। अब देखिए स्टूडेंट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 22 से स्टार्ट हो रही है तो 25 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हमारा n इज इक्वल टू 20 होगा। अब जो सेकेंड पार्ट हम करेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि n 20 क्यों होगा। इसका सेकेंड पार्ट टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स हैं वो निकालने, आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम 25th रो लेके देखते हैं, पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म 22 फिर n माइनस 1 के फॉर्मूले से ये 24d हो जाएगा, d की वैल्यू माइनस 1 है, 22 माइनस 24। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा -2, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, माइनस में लॉग्स नहीं आ सकते, तो इसलिए 25th टर्म वैलिड नहीं होगी, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। n इज इक्वल टू 25 एम n इज इक्वल टू 20 लेंगे हम, ए 20 ए प्लस 19d फर्स्ट टर्म प्लस 19 इंटू माइनस 1, तो ये देखिए प्लस में आ रहा है ए 20, क्योंकि डिक्रीजिंग सीरीज है तो 25 में जाएंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा जो कि हम नहीं ले सकते क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स पॉजिटिव में आने चाहिए। तो टॉप मोस्ट रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो 3 हैं। एक हमारा आंसर हो गया n इज इक्वल टू 20 नंबर ऑफ टोटल रोज, और एक टॉप मोस्ट रो में टोटल ये लॉग्स 3, दीज आर आंसर्स।